फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज का एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फिंगर के हम कैसे लगाते हैं। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो है मैं कौन सा यूज कर रखा हूँ, टी स्लाइडर यूज कर रखा हूँ। तो आज का जो नेक्स्ट वीडियो होंगे उसमें मैं टी स्लाइडर बताऊंगा। तो सबसे पहला वीडियो है, इसमें मैं फिंगर केम बताऊंगा, वेयर प्लेट क्यों लगाते हैं, वेयर प्लेट का कितना एंगल होता है, फिंगर केम और हिल ब्लॉक में बीच में कितना डिग्री डिफरेंस होती है, कौन सा वाला पहले एंगेज होगा, लिमिट से कैसे लगाएंगे, बॉल प्लांजर कैसे लगाएंगे, तो सारा चीजें इसमें मैं बताने वाला हूँ। दूसरा चीज़ जो यहाँ पे वीडियो होंगे, इस वीडियो में आपको कैलकुलेशन से बताऊंगा कौन सी कैलकुलेशन कैसे करना है, कहाँ पे कितना वैल्यूज डालना है, तो सारा चीजें यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले मेरा जो कंपोनेंट है, मैं आपको कंपोनेंट दिखा देता हूँ। मेरा जो कंपोनेंट है, आप यहाँ पे ऐसे देखोगे तो मेरा जो कंपोनेंट है, इस तरीके से एक कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये स्प्लिट मोल्ड है। तो यहाँ पे स्प्लिट मोल्ड में हम क्या करेंगे, दो साइड से हम स्प्लिट स्लाइडर चलाएंगे। अब स्प्लिट मोल्ड में बहुत सारा फ्लैश की प्रॉब्लम आता है, जो एक्सपीरियंस बंदे है उसको पता है फ्लैश की बहुत प्रॉब्लम आता है। तो स्प्लिट मोल्ड में जो फ्लैश की प्रॉब्लम आते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना, इसके बारे में आपको ऐसे टिप्स दूंगा ना, वो आपकी जिंदगी भर काम आएंगे। तो सबसे पहले जो है, इसकी हम अंदर का डिफाइन करते हैं। तो ये जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट का साइज क्या आ रहा है, मेरा कंपोनेंट का अगर मैं साइज देखता हूँ तो ये मेरा कितने का आ रहा है, 64 का आ रहा है। तो 64 में मेरा कितना ये मूवमेंट में ही अंदर का निकल जाएगा, मैं इसको देखता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो है हम क्या देखेंगे, इसकी हम मूवमेंट देख लेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। 8 mm में एंगेज हो रहा है, अभी देखो एंगेज हो रहा है ना। 10 mm में निकल जा रहा है, 10 mm में निकल जा रहा है। तो यहाँ पे मैं 4-5 mm जो एक्स्ट्रा लूंगा, तो अराउंड जो है 15 mm का लूंगा। तो 15 mm में कंपोनेंट से ही आराम से स्प्लिट निकल जा रहा है, ठीक है, आराम से निकल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे यहाँ पे मूवमेंट पता लग गया, मेरा जो मूवमेंट है 15 mm का है। जो फिंगर गेम का मूवमेंट होगा ना, तो एटलीस्ट 15 mm होना चाहिए, ठीक है। तो 15 mm में फिंगर गेम का हम डायमीटर कैसे डिफाइन करेंगे, जो फिंगर गेम होगा उसका डायमीटर कैसे होगा, जो फिंगर गेम होगा उसका लेंथ कितना होगा, उसकी जो थीटा कितना होगा, तो सारा चीजें अब मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ। अब जो कैलकुलेशन कराऊंगा उसको हम प्रैक्टिकली बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो हम फिंगर केम बनाते हैं, फिंगर केम का जो एंगल होता है, 1 से लेके 25 डिग्री तक होता है, ठीक है, 1 से लेके 25 डिग्री तक इसका फिंगर केम का एंगल होता है। अब मैं यहाँ पे फिंगर केम को जो एंगल होगा, इसमें मेरा जो मूवमेंट है ना, मूवमेंट मेरे को एम पता लग गया। एम कितना है, एम मुझे 15 mm करना है, मतलब स्लाइडर जो कितने का है, 15 का करना है, 15 mm का करना है। अब मुझे थीटा निकालना है, ठीक है, या मैं थीटा निकाल लूँ या मैं लेंथ निकाल लूँ, ठीक है। इन तीनों में से आपको एक और वैल्यू चाहिए। अब मैं लेंथ तो मैं नहीं निकाल सकता हूँ, ठीक है, लेंथ के हिसाब से, क्योंकि मेरा लेंथ के हिसाब से एंगल चेंज होता है। तो एंगल में मेरा लिमिट होता है, एंगल मेरा फिक्स होता है, तो मैं एंगल को लूंगा, यहाँ पे लेंथ को नहीं लूंगा, क्योंकि लेंथ को मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ, एंगल को मैं 25 से ऊपर नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। तो 25 से हम जाएंगे नहीं, 25 से कम ही रखेंगे। अगर मैं देखो एक चीज और बता देता हूँ, जो फिंगर गेम होता है, लाइक इस तरीके से लगता है ना, दो लगाऊंगा मैं यहाँ पे, तो फिंगर गेम का जो एंगल होता है, यहाँ पे जो मैं फिंगर गेम लगा रहा हूँ, इसका जो एंगल होता है और जो आपके यहाँ पे वेयर प्लेट लगता है, हिल ब्लॉक लगता है, इसकी एंगल होता है, इन दोनों में बीच में डिफरेंस होता है। कितने का डिफरेंस होता है, 2 से लेके 3 डिग्री का आपका डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आपका जो फिंगर गेम लोगे, उससे साथ जो हिल ब्लॉक होगा उसके साथ आपको एंगल 2 से 3 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। अब इसको ऐड क्यों करते हैं हम, इसलिए ऐड करते हैं, जो पहला मूवमेंट होगा स्लाइडर फिंगर गेम का, तो पहला मूवमेंट आपकी स्लाइडर ब्लॉक में पड़े, फिंगर केम में लोड ना पड़े, क्योंकि फिंगर केम क्या होता है, टूट सकता है। तो पहला जो लोड पड़े, जो स्मूथ इजेक्शन हो, हम देखो वेयर प्लेट क्यों लगाएंगे, यहाँ पे वेयर प्लेट लगाएंगे हम, इस एरिया में हम वेयर प्लेट लगाएंगे, ठीक है। तो वेयर प्लेट क्यों लगाएंगे, क्या होता है इसमें, जो मेरा फ्रिक्शन होता है इसको हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा इसको हम रिड्यूस करेंगे, जो वेयर होंगे वो वेयर प्लेट खत्म होगा, तो हम उसको बाद में रिप्लेस करके हम दोबारा मेंटेनेंस में मोल को नहीं भेजेंगे। तो बताऊंगा आगे कैसे यूज करना है, क्या सही रखना है, क्या कैलकुलेशन होता है, 0-0 होगा कि ऑफसेट रहेगा, सारा चीज़ें इसमें बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये समझो, 0 से लेके 25 होता है, तो यहाँ से 2 से 3 डिग्री अलग होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 25 तो लूंगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे 2-3 डिग्री ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरा एंगल होगा इसको मैं 22 के अराउंड लग दूंगा, 22 डिग्री का मैं इसको कॉन्स्टेंट कर लेता हूँ, ठीक है, मेरा ये तो फिक्स है। अब मुझे थीटा चाहिए, एल चाहिए, मैं एल को नहीं ले सकता हूँ, एल को मुझे कम ज्यादा करना पड़ सकता है। तो एल को मैं पहले फिक्स नहीं करूंगा, मैं थीटा को करता हूँ, थीटा मैं मैक्सिमम 25 में 25 नहीं लूंगा, उससे मैं कम ही लूंगा, तो 2-3 डिग्री कम लूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे एंगल डालना है। तो यहाँ पे मैं 22 डिग्री का ले रहा हूँ, ठीक है, 22 डिग्री का ले रहा हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है, चलो बढ़िया है। अब देखो यहाँ पे जो कैलकुलेशन हम लगा रहे हैं, यहाँ पे जैसे मेरा एम है, ठीक है, एम इज इक्वल टू एल हो गया फिंगर गेम की लेंथ, उसके बाद आपको डालना है साइन थीटा, ठीक है, ये थीटा है, ठीक है, उसके बाद जो है कॉस डिवाइडेड बाई कॉस, ये सी जो है क्लियरेंस है, कॉस नहीं, ठीक है, थीटा है। अब इसको मैं हम ब्रैकेट में डाल देते, इसको हम जो है ब्रैकेट में डाल देते। अब एम कितना है मेरा, एम मेरे को 15 mm है मूवमेंट है, मतलब स्लाइडर कितना स्लाइडर चलने वाला है, 15 mm चलने वाला। एल जो है मुझे नहीं पता, एल मेरा फिक्स है,
क्या है, कितना कितना है, 22 डिग्री। तो यहाँ पे 22 डिग्री कर देता हूँ मैं, इसको हम बेकर में डाल देते हैं, ठीक है। कॉस कितना है, सी क्या है, सी होगा मेरे क्लियरेंस होंगे, तो फिंगर गेम का हम क्लियरेंस डालते हैं, अप्रोक्सीमेटली हम G6 का डालते हैं। तो यहाँ पे मैं 20 माइक्रोन ले रहा हूँ, ठीक है, 0.02 का ले रहा हूँ। उसके बाद जो मैं कॉस है, यहाँ पे मैं कॉस डालूंगा, कॉस का थीटा कितना है, 22 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इतना डालूंगा। अब मैं मोबाइल में कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, आप भी अपना लैप मोबाइल में ओपन कर लो, एक बार देख लो इसको। एल तो मेरा यहाँ पे फिक्स रहेगा, कॉस 22 यहाँ पे मोबाइल में मैं डाल रहा हूँ, कॉस 22 का जो वैल्यू आ रहा है कितने का आ रहा है, 0.3 सॉरी साइन का, साइन 22 का कितना आएगा, 0.374, ठीक है। माइनस इसको मैं यहाँ पे बैकअप कर देता हूँ, 0.02 डिवाइडेड बाई कॉस 22 का वैल्यू क्या आएगा आपका, 0.927, ठीक है। अब इसको जो है मैं इसको अगर डिवाइड कर देता हूँ, देखो अब मैं यहाँ पे मेरे वैल्यू ये मेरा मिल जाएगा, ये वाला मेरे वैल्यू मिल जाएगा। तो मेरा ये वैल्यू कितने का बन के आ रहा है, 0.02 डिवाइडेड बाई 0.927, ठीक है। तो ये कितने का बन के आएगा, देखो पहले तो है मेरा 0.02, यहाँ पे मेरा कॉस्ट 22 डिग्री है, तो 0.927 का आएगा। तो मैं अगर इसको माइनस करता हूँ, 0.02 डिवाइडेड बाई 0.927, तो कितने का आता है, ये 0.02 का आता है, ये 0.021 का आता है। अब ये जो है इतना ही रहेगा, 0.374 एल इतना ही रहेगा, ये इतना 15 इतना ही रहेगा। अब जो यहाँ पे माइनस है ना, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो समझने में इजी हो जाएगा। ये जो माइनस है ना, यहाँ माइनस है, तो इसको मैं इधर ले जाऊंगा ना, तो ये किस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 15 के साथ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15.021 आ जाएगा, राइट, 15.021 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या रह जाएगा, इक्वल रहेगा एल 0.374। अब ये जो 0.374 है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना इसके साथ, अगर मैं इसको ले जाऊंगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो अगर मैं 15 को डिवाइड कर देता हूँ, 15.02 को मैं अगर डिवाइड कर देता हूँ, इससे करूंगा मैं, ये जो कॉस का जो एंगल है इससे मैं करूंगा, तो मुझे कितना मिल के आता है, कॉस 22 का वैल्यू कितना होता है, 0.374, कितने का आता है, ये बन के आता है, जो आपकी ये जो एल बन के आएगा ना, एल इज इक्वल टू, ये कितना बन के आएगा, 40.16 समथिंग आ जाएगा ये, ठीक है। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली कितना लूंगा, 41 डिग्री का लूंगा, ठीक है। तो कितना बन के आ रहा है मुझे, फिंगर गेम का जो लेंथ बन के आ रहा है कितना आ रहा है, 41 का बन के आ रहा है, क्या है कैलकुलेशन। अब जो ये मैं कैलकुलेशन है, इसको जो बनाऊंगा मैं प्रैक्टिकली, तो क्या मुझे मेरे मिल पाएंगे, क्या मेरा वैल्यू सेम हो पाएंगे, बिल्कुल हो पाएंगे, क्योंकि जो मैं कैलकुलेशन बताऊंगा आपको प्रॉपर कैलकुलेशन बताऊंगा, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे 41 है, इसको मैं क्रॉस चेक करूंगा, क्रॉस चेक कैसे करूंगा, अब मैं इसकी थीटा डाल के डालूंगा, मैं 41 का जो है लेंथ है उसमें मैं थीटा डाल के डालूंगा, तो इसमें मेरा कितना चेंज होके आता है। अब देखो मैं थीटा डाल के देखा, अब देखो थोड़ा दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, तो समझने की कोशिश करना। 10 से अभी आऊंगा, 10 90 माइनस थीटा, ठीक है, इजुकल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, ये होता है फॉर्मूला एंगल निकालने का, ठीक है। अब परपेंडिकुलर बेस क्या होता है मैं दिखा देता हूँ आपको, ये मेरा लेंथ है, ठीक है, यहाँ पे मेरा वो है। अब मेरा ये जो एंगल है, ये मेरा कौन, सॉरी यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है, पी है, सॉरी पी है ये, ठीक है, और ये मेरा बेस हो गया, इसको बोलते हैं हम टेन थीटा, जहाँ पे परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पी अपन बी, तो क्या बन के आता है यहाँ पे हम, ठीक है, तो यहाँ पे टेन है, तो हमको जो है टेन इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो टेन थीटा 90 माइनस, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा टेन इनवर्स 1, क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे इसको टेन को काटना है, ठीक है। यहाँ पे कितना रहेगा, 90 माइनस थीटा रहेगा। अब देखो पी अपन बी, ठीक है, इधर है, यहाँ पे भी टेन इनवर्स 1 आ जाएगा, टेन इनवर्स 1, ठीक है, यहाँ पे भी टेन इनवर्स 1 आ जाएंगे आपका, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको काट दूंगा इसके इससे, और पी अपन बी रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा मेरा 90 माइनस थीटा, और इधर में रह जाएगा पी, कितना था मेरा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मेरा कितना था, 41 का था ना, 41 का आ रहा था मेरा लेंथ, कितने आ रहा था, 41 का आ रहा था ना। तो उसके बाद जो है बी कितना है, बी मतलब मूवमेंट, एम एम सही है, एम एम बी मतलब एम है, एम कितना है मेरा 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कितना रह जाएगा फिर, 10 इनवर्स 1, ठीक है। मैं यहाँ पे कितना रह जाएगा, 90 माइनस थीटा, अगर इसको हम करते हैं
तो कितना बन के आता है, देखो 51 डिवाइड बाई 15 कितना हो जाएगा, आपको मोबाइल में कर लो, 51 डिवाइड बाई 15 कितना हो के आ जाएगा, 2.73 tan इनवर्स 1। अब इसको जो है tan इनवर्स 1 के फॉर्मूले में डाल दो आप, अगर आपको tan मोबाइल में है तो मोबाइल में कर लो tan इनवर्स कैलकुलेटर में, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे थीटा है, ठीक है, जब थीटा निकालना है मुझे तो मैं यहाँ पे कितना निकल के आएगा, tan इनवर्स 1 फॉर्मूला में डाल रहा हूँ 2.73, ठीक है। तो आप भी यहाँ पे डालो 2.73, टू कितना डालना है, 2. मोबाइल में डाल रहा हूँ 73, कितना बन के आ रहा है, ये बन के आता है आपका 69.88 और एक डिजिट आता है 2, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू बन के आ गया, ये इसका वैल्यू बन के आ गया। अब मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज करते जाऊंगा तो आपको समझ में आते रहेंगे, कितना बन कर रहा है 69.882, ठीक है, क्लियर। या तो कोई डाउट नहीं, यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। अब जैसे ये क्या है, ये क्या है, प्लस में है, ठीक है, और ये केस में है, इसमें आऊंगा तो माइनस में आएगा, और ये देखो इस थीटा को माइनस में, थीटा को मैं इसमें ले आता हूँ, ठीक है, इधर ले आता हूँ, ये प्लस में है तो इधर जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो ठीक है, मैं उल्टा कर दिया हूँ। अब मैं 90 से 69 कर दूंगा ना, 90 माइनस 69 कर देता हूँ, 90 माइनस 69 तो कितने बन के आता है, ये देखो 90 माइनस 61 कितने बन के आता है, 21, ठीक है। तो हमने कितना लिया था, एंगल जो है 21 पॉइंट समथिंग आता है, पॉइंटों में आता है कुछ ऐसे करके, तो हम कितना लेंगे इसको, 22, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब कोई दिक्कत है। अब देखो आपको मैं थीटा से भी आपको दो फॉर्मूला से दिखा दिया, और आपको मैं एल भी निकालना बता दिया, और आपको मैं थीटा भी निकालना बता दिया, अब दो भी फॉर्मूला से कोई भी यूज करो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको प्रैक्टिकली बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगता है ना तो लाइक कर दो, इसी तरीके से क्लासेस वगैरह देते रहता हूँ, और इसको भी एडवांस क्लासेस वगैरह ज्वाइन करने हैं, नंबर मेंशन थे वहाँ पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब देखो अब इसको हम बना के देखेंगे, आपको मिल गया है एम, मिल गया है एल, मिल गया है और थीटा मिल गया, अब सारा चीजें मुझे यहाँ मिल गया, अब मुझे कोई चीज का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दाब डालेंगे यहाँ पे, इसको हम इस वाले फेस को एज लेंगे, लेने के बाद कितना डिग्री दाब डालना है मुझे यहाँ पे, कितना डिग्री बताया था मैंने यहाँ पे 22 का था, लेकिन मैंने क्या बताया था, इसमें आपको एज को प्लस 2 डिग्री ऐड करना है, प्लस 24 का हम डालेंगे, क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको हम मूव कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत जगह है, इसको हम बड़ा करेंगे थोड़ा सा, आपको कूलिंग भी लगाना है इधर में, और फिंगर कैम भी रहेगा तो कूलिंग के लिए जगह नहीं मिलेंगे, इसको हम पहले बड़ा कर देंगे, मैं इसको 10 mm का बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जो है सबसे पहले यहाँ पे प्रेशर प्लेट लगाते हैं, ठीक है, तो प्रेशर प्लेट लगाने के लिए वेयर प्लेट लगाएंगे, प्रेशर प्लेट तो इधर आएगा नहीं, ठीक है, इसको रीजन के जगह सिंगल फेस लेके स्केच ले लूंगा, ठीक है। जो वेयर प्लेट होता है हम कौन सी मेटल का लेते हैं, ठीक है, अगर लोकल की बात करें तो अगर EN31 के लेके हम हार्ड कराते हैं, ठीक है। वेयर प्लेट हम क्यों लगाते हैं, कौन बताएगा, वेयर प्लेट हम इसलिए लगाते हैं कि यहाँ पे जो है फ्रिक्शन जनरेट होता है ना वो कम हो, मेंटेनेंस के लिए कम हो, मेंटेनेंस में कम जाए, मेंटेनेंस मतलब क्यों कम जाएंगे, अब मैं बताऊंगा। जो मेरा वेयर प्लेट होता है ना यहाँ पे, इसमें क्या करेगा, सर्विस का लाइफ जो होगा ना वो बड़ा रहेगा, इसको हम सिमेट्री कर देते हैं, यहाँ पे कूलिंग के भी पाइप लगाना, इस तरीके से कूलिंग पाइप लगाना है ना, तो इसको हम पूरा नहीं लेंगे, मैं इसको कर देता हूँ 90 mm काफी चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 90 कर, हाँ, तो बताइए क्यों लगाते हैं हम, एक तो आपका क्या होता है, मोल मेंटेनेंस में कम जाएंगे, ठीक है, अगर कोई हमको प्लेट चेंज करना होगा हम वेयर प्लेट को चेंज करेंगे ना, हम स्लाइडर ब्लॉक को चेंज कर देंगे ना, हम हिल ब्लॉक को चेंज करें, जो भी चेंज करना होगा वेयर प्लेट को चेंज करना होगा, ठीक है, क्लियर है। दूसरा होता है क्या, स्मूथ स्लाइडर इजेक्शन होता है, जो स्मूथ स्लाइडर मूवमेंट होता है, इसकी वजह से एक हम उस इसकी वजह से हम यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, यहाँ पे हम कितना लेंगे, 6 mm का लेंगे, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन, और यहाँ पे हम जो है इस फेस से हम 0.5 जो है आगे रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे -0.5 आगे रहेगा आपका, क्लियर है। अब क्यों रखेंगे, क्योंकि सबसे पहला जो टच होगा ना वो आपकी वेयर प्लेट में होना चाहिए, आपका ना वेयर प्लेट में होना चाहिए ना आपका इसमें डालना है ना है, आपको पहला एंगेजमेंट वेयर प्लेट होगा, तो अगर खिसेगा ना कोई वेयर, मतलब क्या होता है, वेयर आउट होता है ना, तो पहले वेयर आउट होगा वेयर प्लेट वेयर आउट होगा, इस ब्लॉक को चेंज नहीं करना पड़ेगा, उस ब्लॉक को भी चेंज नहीं करना, पहले हम वेयर प्लेट को चेंज करेंगे, क्लियर है, चलो बढ़िया है।
अब जो है हम इसकी एज में सैंपल लगा देंगे, ठीक है, इसके जो एज होगा हम इसमें सैंपल लगा देंगे, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगा, तो लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 8 का मैं सैंपल लगा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम 8 का, 6 का, कैसा भी लगा दो, 6 का लगा दो, 6 का लगा दो, तो मुझे सैंपल होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हल्का सा एक सैंपल मारूंगा, ओवरऑल इसमें 1 का सैंपल मारूंगा, ठीक है, 1 का हम सैंपल मार लेंगे। अब मेरा यहाँ तक हो गया है, अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा प्लेट था इसमें मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन मुझे यहाँ पे तो चैम्फर वगैरह मार दिया, अब मैं एक्सट्रूड से पहले ही करना था, तो मैं करंट फिशर करके यहाँ सबसे पहले मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है, तो उसके बाद जो ये हिस्ट्री में आ जाऊंगा मैं। अब देखो ये सब्ट्रैक्ट भी हो गया इधर, अब यहाँ पे मैंने 6 का लगाया था, तो रेडियस कितने का मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मशीनिंग होने वाला, तो एज में मशीनिंग क्या खाता तो घुस नहीं पाएगा, यहाँ पे कटर नहीं घुस पाएंगे, तो यहाँ पे रेडियस लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि मशीनिंग होगा तो इस एरिया में कैसे मशीनिंग करोगे, यहाँ पे तो शार्प होगा तो मशीनिंग टूल तो घुसेगा नहीं, तो यहाँ पे हम जो है 6 का लगाया था, तो मैं यहाँ पे 5 का रेडियस लगाऊंगा, रिलीफ रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखो रिलीफ कर दिया हमने, अब यहाँ देखो हाइट थोड़ा सा आ गया है, देखो 0.5 आ गया है ना, इस तरीके से आपको यहाँ पे लगाना है। देखो दो टाइप का वेट प्लेट होता है, एक बॉटम वेट प्लेट होता है, एक बैक वेट प्लेट होता है, ये मेरा बैक वेट प्लेट है। बॉटम वेट प्लेट कहाँ लगता है, यहाँ पे लगता है, इस फेस पे लगता है। अगर आपको बॉटम वेट प्लेट लगाना है तो आप लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे लगा के नहीं दिखाऊंगा, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा। इसी तरीके से उधर भी लगाना है 0.5, उधर भी ऊपर रहेगा, इधर भी ऊपर रहेगा। कोई इंटरव्यू में पूछे कितना टाइप का आपका वेट प्लेट होता है, तो दो टाइप का होता है, एक बॉटम टाइप का होता है, एक बैक टाइप का होता है, ये याद रखना, ठीक है। अब वेट प्लेट में क्या होता है, वेट प्लेट में हम क्या करते हैं, ऑयल ग्रुप काट देते हैं, ठीक है। ऑयल ग्रुप क्यों काटते हैं, देखो मैंने बता दिया वेट प्लेट क्यों लगाते हैं। अब वेट ग्रुप में क्या होता है, जो फ्रिक्शन होता है ना, यहाँ पे हम काट देते हैं, कभी कभी कुछ ग्रेन्यूल्स वगैरह भी फंसते हैं इसके अंदर जो है, ठीक है, क्योंकि हम क्या ग्रीस वगैरह डालते हैं इसको, यहाँ पे ग्रीस वगैरह डालते हैं ना, तो क्या होता है, तो ओवर ग्रुप काट देते हैं, तो कोई ग्रेन्यूल्स वगैरह रहता है, जो भी चीजें रहता है यहाँ पे अंदर फंस जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है फ्रिक्शन जो होती है उसको फ्रिक्शन को, देखो यहाँ पे हम क्या ग्रीस डाल रहे हैं, ऑयल ग्रुप तो आपको डालना ही पड़ेगा यहाँ पे, तो हम जो है यहाँ पे ऑयल ग्रुप डाल देंगे, क्लियर है। कोशिश कर रहा हूं मैं कि बढ़िया से आपको समझा पाऊं, लंबा हो जाए वीडियो कोई दिक्कत नहीं है, तो लेकिन आपको समझना समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है इसको एक बार में काट देते हैं वेट प्लेट, उसके बाद जो है मेन देखो फिंगर गेम कॉन्सेप्ट समझना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर समझोगे तो सारा चीजें समझ में आपको आ जाएंगे। इसको जो है कुछ अलग तरीके से काटना पड़ेगा, ठीक है, इसको जो है हम कर देते हैं और यहाँ पे इसको क्लोज कर देते, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ट्रिम करना है, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रिम नहीं करूंगा, दोनों का साइज का मैं अलग अलग साइज में रखूंगा, मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ पहले स्केच को, स्केच को सेव कर दिया। अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एरे लगाऊंगा, ठीक है, तो सेम साइज का नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं बाउंड्री बॉक्स ले रहा हूँ, ठीक है, ये एक बाउंड्री बॉक्स, ये एक बाउंड्री बॉक्स और आपका ये एक बाउंड्री बॉक्स, ठीक है, तीन बाउंड्री बॉक्स ले लिया। अब इसको जो है कितना एमएम काटाऊंगा, 0.2-0.3 mm काटना है, ठीक है, यहाँ पे ब्लेड से काटते ये 0 और यहाँ पे हम 0.2 का कट ऑफ लगाएंगे, ठीक है, इसको रहने देते हैं। उसके बाद जो है हम एक और ये ले लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे इसको भी आप सिलेक्ट कर लो, इसका बेहतर है मैं इसकी बाउंड्री सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहले जो है इसको कर लेते हैं हम, यहाँ पे जो है हम इसको क्या करेंगे, पैटर्न कर देंगे, ठीक है। मैं इसको दोनों में एक साथ क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं बना रहा हूँ, मैं दोनों का साइज सेम नहीं रखूंगा, ठीक है, तो अलग अलग में मारूंगा मैं। यहाँ पे 4 है डिस्टेंस है, इसको हम कर देते हैं 20 का, नहीं इसको हम 25 का कर देते हैं, तो इसको मैं अलग अलग करूंगा, ठीक है, 8 नहीं 7 में काम हो जाएगा। अब देखो इसको मैं अलग अलग करने से फायदा क्या होगा और लॉस क्या होता है, देखो एक क्या होता है, अगर सेम साइज में रखते हो ना, तो इसमें दिक्कत क्या होता है कि एक ही पोजिशन में रख जाता है, बेसिकली आप कभी करने का जरूरत नहीं करता है, कभी कभी हम कर देते हैं, कभी कभी हम करने का जरूरत नहीं, ये आपके हिसाब से है, ठीक है, ये मेरा हो गया। अब इसको मैं सेम साइज का नहीं रखूंगा, इसको मैं कम ज्यादा रखूंगा, ठीक है, इसीलिए जो है मैं अलग अलग से बना रहा हूँ।
ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पे हम इसको ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, 0.2 रिवर्स डायरेक्शन में। अब इसको जो है अब देखो, इसमें मैंने 25 का लिया था ना, इसमें मैं अलग लूंगा, ठीक है, तो इसका अलग लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सेम में हो, तो इसीलिए जो है मैं अलग अलग डायरेक्शन में लिया था और कुछ रीजन नहीं था। यहाँ पे 25 में देखो एक ही में पड़ रहा है ना, इसको मैं अगर 30 का कर देता हूँ ना, तो देखो आप अलग अलग में पढ़ते जाएंगे, ठीक है, ये रीजन है और कुछ रीजन नहीं है बनाने का। अब यहाँ पे सबट्रैक्ट कर दूंगा, यहाँ से इसको एक एक करके सबट्रैक्ट कर दूंगा मैं। ये देखो, ये ऐसा भी कोई भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक एंगल पे डाल के उसको आप काट दो, तो ऐसे कोई वो वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको डिलीट बोलिए, ठीक है, और जो ये स्केच है अब समझ में आ गया ना कैसे बनाना है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो है दूसरा चीज अभी आएंगे आपके पास, यहाँ पे हम क्या करना है, बोल्टिंग करना है, ठीक है, यहाँ पे बोल्टिंग करना है। तो यहाँ पे हम कौन सी बोल्टिंग करते हैं, कौन सा वाला बोल्ट लगाएंगे, पहले हम एक एक करके दिखा देते हैं आपको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फिंगर कैम लगाऊंगा, तो पहला बोल्टिंग मैं इस एरिया में करूंगा, तो दूसरा बोल्टिंग मैं इस एरिया में करूंगा, थर्ड वाला सेंटर पे करूंगा। क्लियर है? हमेशा स्केच लेके काम करना, इन फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। अगर स्केच से काम नहीं करते हो तो बाद में क्या होता है ना, दिक्कत करने लग जाता है, ठीक है। तो हम जो है पहला बोल्टिंग, यहाँ फिंगर कैम है, तो पहला बोल्टिंग में मान लो इधर कर देता हूँ, दूसरा बोल्टिंग में सेंटर पे कर देता हूँ, और तीसरा वाला बोल्टिंग जो है मैं मिरर मार देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो हम इसको ले लेते हैं, यहाँ पे इसको लेके हम इसको मिरर मार देते हैं। जो ये लाइन है, ये जो लाइन है, इसको हम एज इट इज सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तीन से काम हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिंगर कैम है इसीलिए मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। मान लो इसको मैं 15 mm भी कर दूंगा ना, 15 mm भी काफी है मेरे हिसाब से। मिरर है तो कोई दिक्कत नहीं, तीन बोल्टिंग से आपका काम रुक जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है, तीनों को सिलेक्ट करना है स्केच को। तो यहाँ पे जो है नॉर्मल टू डेफेज की जगह यहाँ पे हम होल सीरीज ले लेंगे, और जो स्केच है स्केच को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम जो लेंगे ना काउंटर सैंक लेंगे, ठीक है। काउंटर बोल्ट नहीं लेना है, काउंटर सैंक लेना है आपको। यहाँ पे ये है, मिडिल में कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, मिडिल में जो फालतू का चीजें है ना इसको हटा दो, ठीक है। एन में क्या करना है, एन में जो है आपको इसको नहीं सिलेक्ट करना, इसको सिलेक्ट करना, ठीक है। और यहाँ पे थ्रेडेड लगाना है, थ्रेडेड, ठीक है। और ये जो आप देख पाओगे M10 का नहीं, M6 का लगाऊंगा मैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे हम कितने का लगा रहा है, M6 का लगा रहा है, कौन सी बोल्ट लगा रहा है, केस के लगा रहे हैं, ठीक है। इसके मतलब किंग्स 11 पंजाब है, वो किस जगह बोलते हैं, चेन्नई सुपर किंग मत समझ लेना, ठीक है। तो ये जो है आपका होल का नाम है, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इस तरीके से आपको लगाना है, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, इसको बैक टाइप वेल प्लेट, और नीचे लगाने वाले क्या बोलते हैं हम, बॉटम टाइप वेल प्लेट। वेल प्लेट कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, चलो बढ़िया है। अब हम बात करेंगे इसकी फिंगर कैम के ऊपर। तो फिंगर कैम हम सबसे पहले सेंटर में बनाएंगे। अब फिंगर कैम कैसे बनाते हैं हम, देखो सबसे पहले हम स्केच लेंगे, कहाँ पे स्केच लेंगे, सेंटर पे लगाएंगे, बनाएंगे, उसके बाद हम जो इसको मूव करेंगे, ये ले लेंगे, ठीक है। अब इसको जो है हम इस तरीके से बनाएंगे, कंट्रोल एच करके सेक्शन काट देता हूँ मैं, आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो मेरा प्लेट था ऊपर वाले प्लेट को भी मुझे लाना पड़ेगा, क्लियर। अब लाने ला लिया, अब उसके बाद जो है यहाँ पे एक सेक्शन कॉन कर लेता हूँ, तो इजी हो जाएगा मुझे काम करने में, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे जो मैं फिंगर कैम लूंगा, कितना तक मैं लूंगा, यहाँ पे फिंगर कैम चलना है ना, लेकिन आएंगे तो ऊपर से, यहाँ पे इसका टेंशन नहीं लेना है, ये जो है पीछे है, ठीक है। यहाँ के बाद यहाँ पे एक मैं और लाइन लूंगा, ठीक है, ये 90 में रहेगा, और इसको मैं एज ए सेंट्रल लाइन कन्वर्ट कर दूंगा। कितना डिग्री एंगल लेना था मैंने आपको बताया था, कितने का 22 डिग्री का बताया था ना मैंने आपको, तो यहाँ पे आपको 22 डिग्री लेना है। अब ध्यान से देखोगे ना, इसका एंगल और इसका एंगल अलग है, ये 2 डिग्री एक्स्ट्रा है इसके साथ, ये 2 डिग्री कम है, ठीक है। अब ये जो फिंगर कैम है, यहाँ से इसका डिस्टेंस मिनिमम कितना होना चाहिए, अगर आपको मैं डिस्टेंस की बात करूँ ना, तो मैं अगर इसके इससे और इसकी बात करूँ ना, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये कितने का है, 20 का है, सॉरी 2 डिग्री का डिफरेंस है ना, 2 डिग्री का डिफरेंस है, मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है, आपको समझ में आ गया 2 डिग्री का डिफरेंस है। अब यहां से इसकी जो डिस्टेंस होना चाहिए ना, तो ये पॉइंट है, यहां से हम 12 का लगाएंगे 6, और इधर में 8 mm आपको होना चाहिए,
आपका एटलीस्ट कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 8 mm प्लस फिंगर कैम जो है 6 mm, मतलब 12 का डायमीटर लगाऊंगा तो 6 का रेडियस है प्लस इधर 8 का सही है, तो मैं इधर जो है मेरे हिसाब से 30 का रख दूंगा इधर, तो ये मेरा ये मेकअप हो जाएगा। अब ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ जो है कैसे मैंने बताया था कि ये 41 का जो एंगेजमेंट है वो आप कैसे लगाओगे, वो कैसे लगाओगे आप, वो लगाने का तरीका ये है, ये जो फिंगर कैम का लेंथ है ना कितने का है, ये 47 है, तो आप कितने का चाहिए था, 41 का लेंथ चाहिए था। अब 41 है, देखो अब कैलकुलेशन समझना, जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ प्रॉपर कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 41 है प्लस प्लस कितना है, यहाँ पे हम एंट्री रेडियस डालते हैं, एंट्री रेडियस एंट्री शैम्फर डालेंगे, उसमें हम 1.5 का हम डालेंगे, तो हम यहाँ पे 2 mm का जो है हम क्या डालते हैं प्लस कर देते हैं, 2 mm प्लस मतलब 2 mm एंट्री रेडियस है, और नीचे जो हम शैम्फर देते हैं ना फिंगर कैम का शैम्फर रेडियस मारते हैं, तो हम उसमें मान लो हम 5 का 6 का डालते हैं, तो यहाँ पे मैं कितने ऐड कर दूंगा, 6 जो है यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो कितना लेंथ होना चाहिए, ये कितना लेंथ होना चाहिए आपका, ये 8 mm जो है मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, ठीक है, तो 8 mm एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, ये तो मैं स्ट्रेट माप रहा हूँ, ये तो थोड़ा एंगल है, एंगल में ज्यादा आएंगे, आपको क्या करना है यहाँ पे देखो 8 mm जो है मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ले रखा हूँ, चलो मैं एंगल को भूल जाता हूँ, मैं यहाँ पे 48 का रख देता हूँ आपको, ठीक है क्लियर है, कोई दिक्कत समझ में आ गया, 2 mm एक्स्ट्रा क्यों लिया, एंट्री रेडियस डालूंगा जो आपकी स्लाइडर ब्लॉक है उसमें, और फिंगर कैम भी हम एंट्री रेडियस सैंपल डालेंगे, तो उसमें भी आपको 6 mm डालना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस 12 है तो एटलीस्ट 6 करना चाहिए, तो 6 mm उधर ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पे कितने mm ऐड हो जाएंगे, 2 mm ऐड हो जाएगा इसके लिए, तो यहाँ पे 6 mm यूज करूंगा, लेकिन जो टिल्टेड है उसमें ज्यादा आएंगे, तो हम यहाँ पे 8 का एक्सप्रेस करेंगे, मतलब जितने का ये डायमीटर होगा ना उसका दुगना जो है, मतलब उसका जो रेडियस है उसमें उससे ज्यादा ऐड कर देना, उससे ज्यादा ऐड प्लस 1 प्लस 2 ज्यादा ऐड कर देना है, क्लियर है, याद रहेगा ना आपको, तो कितना आ जाएगा, 8 ले लिया और 2 mm यहाँ ऊपर सैंपल ले लिया, कैलकुलेशन होता है ये, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, अब इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ और ये जो है इसको भी हटा देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे जाने की बात, यहाँ पे जाएंगे स्वीप में जाके यहाँ पे ट्यूब लगा लेंगे, प्रॉपर तरीके से सीखना है ना तो आप ज्वाइन कर सकते हो, इसी तरीके से मैं सिखाता रहता हूँ। अब देखो इसके बीच में प्रॉपर गैप है कि नहीं है, देखो इसके बीच में आपका देखो गैप कितना है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा गैप है, 6 से 8 mm का गैप, 8 mm वो तो बढ़िया है, ठीक है, इसको अगर पीछे करना है तो आप पीछे कर सकते हो, लेकिन मैं पीछे इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या है इस तरीके से यहाँ पे कॉम्पोनेंट है ना, अगर आपको देखना है कितने mm पीछे है तो आप यहाँ पे ऐसे ताश करके देख सकते हो, ठीक है, ये वाला फेस एरिया और ये फेस है आपका, ये फेस 44 नहीं, यहाँ पे हम प्रोजेक्टेड नहीं डायरेक्ट डिस्टेंस देखेंगे, मिनिमम डिस्टेंस 8 mm है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, 8 mm मेरा है यहाँ पे, तो मुझे कोई इशू नहीं, मैंने आपको क्या बताया मिनिमम जो 8 mm होना चाहिए, तो यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं, सब मेरे हिसाब से परफेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम ले आते हैं, अब इसको लेने के बाद यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इसको नहीं करेंगे, हम इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है, जैसे मैं उधर ले जा रहा हूँ, इसको मैं 20 का कर दूँ, यहाँ प्रीव्यू को ऑफ कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ 7 का, मतलब ये इधर में आ जाएगा, तो इसको मैं एटलीस्ट सेंटर पे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे देखो प्रीव्यू में सेंटर पे है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको इधर रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है, इसको हम हाइड कर देते हैं लेयर पे, असेंबली में बना सकता हूँ मैं सारा मोल्ड जो है, असेंबली में बनाता हूँ, अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना तो ये सारा जो मोल्ड है मैं असेंबली में बनाता हूँ, लेकिन जो है आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जल्दी जल्दी आपको दिखाना है, ठीक है, असेंबली में क्या होता है इतना बड़ा आप ऑटोमोबाइल का मोल बनाते हो ना, तो ये मेरा जो है मोल, अब देखोगे यूट्यूब में मैं जो है मेंबरशिप में डाल रहा हूँ, अगर इसको भी मेंबरशिप लेना है यूट्यूब में आप ले सकते हो, आपको इस ये जो मोल है कंप्लीट मोल मिलेगा यहाँ पे मेंबरशिप में मैं बना के रखा हूँ, कंप्लीट मोल मिलेंगे आपको सेशन वाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6 वहाँ पे जाके मेंबरशिप में आप देख सकते हो, तो ये जो है आपको कंप्लीट मोल वहाँ पे मिलेंगे। इसमें क्या क्या चीजें है मैं एक बार आपको रेंडमली बता देता हूँ, क्योंकि जो है मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि मिस करोगे तो बहुत कुछ चीजें समझ नहीं आएंगे, क्यों बना रखा हो, कैसे बना रखा हो, सारा चीजें आपको यहाँ पे समझ में आएंगे, तो थोड़ा सा टाइम लगेंगे इसको ओपन होने देते हम, ठीक है, तो ये मेरा मोल्ड है, देखो यहाँ पे क्या हमको असेंबली में बनाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, कंप्लीट मोल मिलेगा, कंप्लीट मोल मिलेंगे वहाँ पे, जहाँ आप मेंबरशिप ले सकते हो, देखो मैंने कौन से बताया, ये मेरा कौन सी वेयर प्लेट है, साइड वेयर प्लेट है, ठीक है, और ये मेरा कौन सा है, बैक साइड बैक वेयर प्लेट बोलते हैं हम इसको, और मेरा कौन सा है, ये कौन सा वेयर प्लेट है, ये मेरा बॉटम वेयर प्लेट है, तो आपको ऐसे दोनों बनाना पड़ता है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ये अंडर स्लाइडर है, देखो किस तरीके से स्लाइडर चल रहा है, यहाँ पे देखो ना किस तरीके से स्लाइडर चल रहा है, देख रहे हो, ये कंप्लीट मोल मिलेंगे वहां पे जाके आप देख सकते हो,
यहाँ पे आप देखोगे तो मैं पूरा असेंबली में काम करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको देखोगे ना असेंबली असेंबली, देखो ना हर जगह असेंबली असेंबली, तो असेंबली में आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। कंप्लीट मोड लिखना है तो वहां पे जाके हर एक जितना भी पार्ट यूज कर रहा हो, कौन सा स्टैंडर्ड यूज कर रहा हो, सारा चीजें वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले जो है हम स्प्लिट मोड को खत्म करते हैं। तो आपको जो यहाँ पे मैं फिंगर कैम लगा दिया, कूलिंग के लिए मेरे पास जगह होना चाहिए, कूलिंग के लिए हम जगह दिखेंगे प्रॉपर कूलिंग के लिए, ठीक है। नहीं तो हम 1-2 mm 5 mm इसको हम बढ़ा भी सकते हैं इसको। तो यहाँ पे गया, जाने के बाद यहाँ पे हम सबट्रैक्ट में जाएंगे, सबट्रैक्ट हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम जो कीप टूल ऑन करके इसको सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट करने के बाद दूसरा चीज आपको एक और ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे बाउंड्री इसको हटा दो, सिंगल ले लो। देखो ये जो स्टैंडर्ड होता है ना, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो हम 4 mm का करते हैं नॉर्मली 10 से नीचे वाले को, लेकिन 10 से जो ज्यादा होता है इसको हम 6 mm का करते हैं। उसके बाद जो ये ऑफसेट होता है ना 1.5 का होता है, लेकिन अगर 10 से ज्यादा होगा तो हम 2 का करेंगे, क्लियर है, ये स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ पे हम इसके बाद इसको ओके कर देंगे। जो भी चीजें सीखना है ना, स्टैंडर्ड सीखना है, यहाँ से सीखने से कोई फायदा नहीं है आपको, कोई मतलब नहीं है ऐसे सीखने से। यहाँ पे इसको हम ट्रिम करेंगे, यहाँ पे हम जाके इसको हम लेके इसको हम ट्रिम कर देंगे, सब ट्रैक हो गए, इसको हम हटा देते हैं। हटाने के बाद ये जो फेस देख रहे हैं उसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद क्या करना है, सिंपली यहाँ से डिलीट कर दो। तो ये आपका क्या हो गया, जो ऊपर का प्लेट है, इस प्लेट में आपका क्या आ गया, वेयर प्लेट आ गया, राइट। सॉरी, हम इसको क्या बोलेंगे, फिंगर कैम का मेरा यहाँ पे हो गया, वेयर प्लेट तो मैंने पहले कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, देख पा रहे हो, यहाँ तक हो गया है। तो इसको पूरा को ले आते हैं, अब इसका जो पूरा ले आते हैं कहानी, तो पूरा ले आने के बाद इसको मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे करना है, इस वाले एरिया में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको भी सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे भी हमने सबट्रैक्ट कर दिया। अब कहानी आता है यहाँ पे आपका फिंगर कैम के साथ, हील ब्लॉक के साथ, हम इसको भी ले आते हैं, ठीक है। तो हम चैम्फर डालना है, मैंने आपको बताया था, मैंने जो वहाँ पे 8 mm क्यों लिया था, क्यों लिया था, यहाँ पे समझो आप एसिमेट्री, ठीक है। यहाँ पे एसिमेट्री एक में हम डाल देते हैं 3 का, और एक में हम डाल देते हैं 6 का, 6 कम है ना, तो इसीलिए तो डालो। यहाँ पे फिर रेडियस डालूंगा ना, यहाँ पे रेडियस डालूंगा ना मैं, देखो ना आप कैसे मैं बना रहा हूँ। अब इसीलिए मैंने बोला था आपको 8 mm जो मैंने ऐड करा था, ठीक है। अब देखो 5 mm का डाल दिया, अब देखो कैसे कितना ये चेंज हो जाएगा इसकी वजह से, इसकी वजह से जो आपको चेंज हो जाता है। तो आपको करना क्या होता है, आपको रेडियस बार डालना पड़ता है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे डाला मैंने, यहाँ पे सब टेक करा ना, यहाँ पे मैंने एंट्री रेडियस के लिए क्या 2 mm एक्स्ट्रा लिया था, यहाँ पे मैं 1.5 का डालूंगा। यहाँ पे क्या एंट्री रेडियस है ये, अब यहाँ पे चैम्फर है। अब इसको हम अगर सेक्शन काट के देखते हैं ना, अगर मैं इसको सेक्शन काट के देखूंगा ना, तो आपको ये पता लग जाएगा अब तो अंदर तक कितने बन के आ रहा है। देखो ये चीजें हैं दोस्तों, यही सब चीजें तो आपको मैं सिखा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे ध्यान से देखो कितने का मेरा अंदर कट बन जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मैं इसका ये ले लेता हूँ, और ये जो इसकी इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, और ये कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे कितना है 16 है, तो 16 का आपको पता लग रहा है, 16 बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारा फोन आ जाता है वीडियो के बीच में, तो देख पा रहे हो यहाँ पे सारा चीजें जो है आप देख पा रहे हो कितने बनकर 16 का बन के आ रहा है। तो 16 जो है ठीक है, 16 के हिसाब से ठीक है। अगर आपको और ज्यादा करना है और बढ़िया स्मूथ करना है, तो आप यहाँ पे जो है रेडियस है इसको आप बढ़ा सकते हो। जैसे 16 है, मुझे बन रहा ही सही है, तो 16 है ठीक है, तो हम इसको रेडियस को हम बढ़ा सकते हैं, ये जो रेडियस है, तो ये वाला जो रेडियस इसको हम बढ़ा सकते हैं, तो फिर और कम हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिया, इसको मैं आर्क का डाल देता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा और कम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना, देखो आप जितना भी डालोगे एक्यूरेट तो आएगा ही नहीं कभी, एक्यूरेट जैसे अभी हम पॉइंटों में 1-2 mm पॉइंट एरर आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डाला है रेडियस, ठीक है, वो कभी इसको एक्यूरेट नहीं मिला पाता है। ये रहा, ये रहा। कितना आ रहा है, 16 पॉइंट आ रहा है, 16 का आ रहा है, ठीक है। 15 आना चाहिए, तो 16 भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। यहाँ पे देख पाओगे किस तरीके से मैंने वो चीजें बताऊंगा आपको, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना है, ठीक है। एक साइड का मैं बनाऊंगा, एक साइड जो है आप बनाना, ठीक है। मैं फाइल रख दूंगा उसमें गूगल ड्राइव में, आप जाके डाउनलोड करके इसको बना के मेरे से चेक करवा लेना। तो देखो यहाँ तक यह हो गया, अब उसके बाद जो है हम इसमें ये बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी बनाना तो बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो हिल ब्लॉक के लिए ये जो साइज है ना, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ठीक है। 10 mm का हम इसको अभी के लिए बड़ा कर देते हैं, बाद में हम कम ज्यादा कर देंगे, अभी मेरा फाइनल साइज नहीं है ये। क्यों नहीं है बाद में बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम जो है हिल बनाएंगे, हिल ब्लॉक बनाएंगे। हिल ब्लॉक बनाने के लिए क्या तरीका होता है, यहाँ पे हम लेके और इसको जो है स्किप करना,
ठीक है। अब इसके बाद इसको डायमेंशन करना है, ठीक यहाँ पे डायमेंशन करना है। इसका डायमेंशन जो है मैं 75 का कर देता हूँ, 75 है नहीं, इसको मैं थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ। इसको अगर मैं 80 कर दूँ तो कितना आ जाता है, 80 mm कर देता हूँ तो ठीक है, परफेक्ट है। 80 mm है, इसको तो हम कितना करेंगे, 160 mm का कर देंगे, ठीक है। 160 mm कर दिए, यहाँ सेंटर टू सेंटर है, और यहाँ पे कितना mm है, 46 है। यहाँ पे मिनिमम कितना होना चाहिए, यहाँ पे आपका जो है 8 से 10 mm होना चाहिए, ठीक है। इसको जो है मैं 45 का कर दूंगा, 45 का कर दिया, और यहाँ पे जो है 160। अब ये हील ब्लॉक है, यहाँ पे हम जो है यहाँ पे अंदर रखेंगे, इसलिए इसको यहाँ पे गैप चाहिए 8 से 10 mm से, ठीक है। इसको जो है हम ऊपर की तरफ एक्सट्रूड करेंगे, कितना एमएम करना है, ये जो है अप टू एक्सटेंडेड करके इस इक्वल करना है, ठीक है। अब ये जो बाहर निकल के आ रहा है इसको ट्रिम करना है, इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद जो फेस लूंगा इस फेस के बाद ट्रिम कर दूंगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मान लो मैं 6 का या 8 का डाल दूंगा रेडियस, ठीक है। अब देखोगे यहाँ, देखो वर्क प्लेट के हिसाब से मैंने टच दिया यहाँ पे। देखो आपको मैं एक तरीका और बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने वर्क प्लेट जो है स्लाइडर ब्लॉक में लिया हो, ठीक है। आपको वेयर ब्लॉक जो है हिल ब्लॉक में भी लेना पड़ सकता है, क्यों लेना पड़ सकता है, अगर मेरा यहाँ पे मान लो ये जो मेरा मेटल है, यहाँ पे जो मेरा मेटल है मान लो मैं P20 में है, हार्ड में है, ठीक है। वेयर प्लेट जो है मैं EN31 में ले रहा हूँ, हार्ड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उस केस में वेयर प्लेट को क्या होगा, इसका अगर हार्डनेस होगा 38, मान लो निमेश का ले रहा हूँ मैं, कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे मान लो 38 का है, तो ये 38 का हो गया, और ये जो है आपका कितना है 25-26 का है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, वेयर प्लेट को जो हार्ड में रहेगा तो वेयर प्लेट को इस ब्लॉक में लेना पड़ेगा। ये आपको जब डिजाइन करोगे ये समझ के बनाना है आपको, ठीक है। तो आपको अगर मान लो ये हार्ड है, ये हार्ड नहीं है, तो वेयर प्लेट को जो है आप, क्योंकि यह क्या होगा, वेयर प्लेट ये ब्लॉक खींच जाएगा बाद में, तो वेयर प्लेट को इस वाली ब्लॉक में ले आना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं हार्ड में नहीं बनाऊंगा, आपको लोकल मार्केट के हिसाब से दोनों टाइप में, अगर दोनों में लगा दो वेयर प्लेट, इसमें भी लगा दो उसमें भी लगा दो, वेयर प्लेट को हार्ड करा दो बस, वैसे भी बना सकते हो। ये आपको देखना है मैं किस तरीके से मेरा कॉस्टिंग हो सकता है, किस तरीके से मेरा प्रॉफिट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको देख के बनाना है, क्लियर है। अब देखो, अब उसके बाद क्या करना है, मैं यहाँ पे यार एक ब्लॉक बनाऊंगा। अब जो ये ब्लॉक बनाऊंगा, ठीक है, अब ये जो ब्लॉक है थोड़ा सा ध्यान से देखना है, 55 है तो मैं 60 कर देता हूँ, और इधर में जो बनाऊंगा ना, इधर में 60 है और यहाँ पे होगा 180 का, राइट, 180 हो जाएगा, सॉरी 120 का हो गया। अब ये जो ब्लॉक है इसको मैं यहाँ पे काट दूंगा, ट्रिम 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 ट्रिम, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो लेंथ होगा ना, ये मिनिमम जो है 25 का हो जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। 25 का जो है हम इसको अंदर एंगेज करेंगे, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल देखते जाओ आप, ठीक है। अब ये जो अंदर जो है टच में रहेंगे, कितना एमएम का टच में रहेगा ये, कि अराउंड जो 18 mm जो है एंगेज हो जाए काफी है, ऊपर से हम बोल्टिंग कर देंगे, ठीक है। पूरा एंगेज करने का जरूरत नहीं है, इतना एमएम काफी है, 120 mm बाई तो आपका या 25 mm बहुत ज्यादा है, इतना पूरा करने का आपको पूरा ब्लॉक देने का कभी जरूरत नहीं पड़ता। मशीनिंग होंगे तो यहाँ पे रेडियस डालना पड़ेगा भरपूर मात्रा में, ठीक है, मशीनिंग होने वाला है, तो यहाँ पे मैंने 8 का दे रखा हूँ रेडियस, ठीक है। 8 का देने के बाद यहाँ पे इसको हम चैम्फर कर देंगे, अपट्रैक करके चैम्फर डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे अपट्रैक करना है, कर दिया। करने के बाद इसको हम हाइट कर देंगे, उसके बाद जो है हम कंट्रोल बी करके इसको ले आएंगे, कि वहाँ पे हम कितने का रेडियस डाला था, 8 का डाला था ना, तो यहाँ पे 8 का डालोगे ना तो इसको चेंज करना पड़ेगा आपको, क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस में रिलीफ चाहिए, तो हम यहाँ पे 6 का डाल देंगे, ठीक है। 6 का डाल दिया, अब ये हो गया, तो कंट्रोल शिफ्ट बी कर देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट बी करने के बाद इनको हम यूनिट कर देंगे, ठीक है। इसका काम हो गया, जिसका काम हो गया वहाँ पे चैम्फर डाल दो, एसिमेट्री नहीं भाई, एसिमेट्री डाल देना, इसमें 1 का चैम्फर डाल दो, मतलब इसका काम हो गया, इसका भी काम हो गया, इसमें भी चैम्फर डाल दूंगा, तो इसका मतलब इसका मान लेते हैं हम, इसका भी काम हो गया, इसका इसका काम हो जाता है, आप चैम्फर डाल दो, क्यों समझ जाओगे कि इसमें काम नहीं करना, इसका काम हो गया, इसमें बोल्टिंग कर देना है। अब बोल्टिंग कैसे करना है, चलो बोल्टिंग भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अब कंट्रोल शिफ्ट के करने के बाद, तो जो ये ब्लॉक है, ब्लॉक
कंट्रोल शिफ्ट भी कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट के या फिल्टर लगा देना, कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम करता है ये, तो हटा देते हैं। ये जो ब्लॉक है ये कौन सा ब्लॉक आ गया मेरे पास, अच्छा कंट्रोल एल मतलब 100 ईयर मेरा ऑन हो गया, ठीक है अब इसको ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे वोल्टिंग करना है तो वोल्टिंग भी कर देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम, ठीक है अब देखो, अब जो है हम ऑटोमोबाइल मोड में काम करने लग गए हैं, जिसको भी आपको एडवांस के एडवांस सीखना है ना, तो आप जाके सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जिसको भी एडवांस से एडवांस करना है सीधा जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम जो है सेंटर से इसको जो है हम कितना दे देंगे, 35, दो से भी काम हो जाएगा वैसे, हाँ वैसे दो से भी काम हो जाता है, मैं स्वतः बोल लगा लूंगा, दो लगा लूंगा सर, जो ही नहीं बोल लगा, दो ही लगा देता हूँ, ठीक है दो ही लगा देता हूँ मैं, तीन नहीं लगाऊंगा, जरूरत नहीं है, दो से काम हो जाएगा आपका, एम एक का दो लगा दो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो वोल्ट जो है मिनिमम M6 का जो है आपको यूज कर लेना है, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम M5 वगैरह यूज मत करना, वो सही नहीं होता है। आपको यूज करना है तो आपको कौन सा यूज करना है, इसका यूज करना है आपको, काउंटर शंक नहीं, यहाँ पे काउंटर बोल लगेगा, M8 का यूज करूंगा, ठीक है। और ये अब इसके साथ मैंने यूनिट करना भूल गया, अब इसके साथ भी इसने यही कहानी कर दिया, तो भी हटाओ इसको भी हटाओ, एन जो है यहाँ पे इसको इसको हटा के ये जो है इसमें कर दो, ठीक है। तो बोल्टिंग हो गया इस तरीके से, ये बोल्टिंग रहेगा, ठीक है। हिल ब्लॉक आएगा, प्रेशर ब्रेकर के साथ हिल करेगा, तो पहला क्या कैसे काम करेगा, देखो पहले ये दोनों ऊपर जाएगा, ये पिन और ये ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, एनिमेशन करके दिखाना है तो एनिमेशन करके दिखा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा, जैसे ये मेरा, अगर मैं डायनेमिक करके, जैसे जैसे मेरा ये ऊपर जाएगा, जैसे जैसे मेरा ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये फिंगर गेम जो है इसको आगे ले जाएगा। तो ये जो आपकी, ये जो आपकी स्लाइडर ब्लॉक है ना, ये जो आपका स्लाइडर ब्लॉक है, ये क्या करेगा, ये आगे चला जाएगा, इसके साथ ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर चला गया, ठीक है। उसके साथ क्या हो जाएगा, ये आगे चला जाएगा आपका वायर प्लेट के साथ, ये इस तरफ चला जाएगा, ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ये इस डायरेक्शन में, तो ये फिंगर गेम जो है क्या करेगा, स्लाइडर को रिलीज कर देगा, ठीक है, ठीक है ना। ये जो है नीचे का पिन है, इसको जो है पॉइंट को भी हम हाइड कर देते हैं, जरूरत नहीं है इसको भी, ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो जो फ्लैश आती है ना, अब फ्लैश को हम कैसे रोकते हैं, फ्लैश को रोकने के लिए क्या तरीका होता है, देखो हम नीचे क्या काम करेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको समझ में तो आ गया, लेकिन अभी कहानी और बाकी है मेरे दोस्त। देखो ब्लॉक को ले लिया मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे ब्लॉक को लेने के बाद, यहाँ पे जैसे मैंने ब्लॉक को ले लिया, अब इसको फिंगर गेम के मुझे जगह लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं यह करके यहाँ पे 1.5 का ऑफसेट दे रहा हूँ मैं, ठीक है दे रहा हूँ। अब इसको मैं अप्लाई नहीं ओके करूँगा, क्लियर है। आपको करना क्या है, ये जो ब्लॉक है इसमें इसमें और इसमें, इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, फिर फिंगर गेम क्या होगा नीचे चलेगा, ठीक है सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब सिमिलरली इसमें भी आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ऊपर वाले में भी, जो ऊपर है ना फिंगर कैम का, जो ऊपर है ये जो है इसमें स्लाइड करेगा, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, हटा देना है, इस तरीके से आपको ये कट लगाना है। अब ये जो है इतना बड़ा तो होगा नहीं, सॉरी इसको जो मैं आगे की तरफ ले आऊँगा, देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये जो है इस डायरेक्शन में ले आऊँगा, इसका ले आया मैं, ठीक है। अब देखो फिंगर कैम ये क्लियर रहेगा, ऐसे कोई तस्वीर नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो ये जो कमांड है इसको ऊपर ले जाओ, सब्ट्रैक्ट के ऊपर ले जाओ, अब ये हो गया। अब इसके बाद इसको हम डिलीट करते हैं, क्योंकि ये फ्री रहना चाहिए, ठीक है। अब ये जो मशीनिंग होंगे यहाँ पे, पे, पे यहाँ पे हम अच्छा रेडियस यूज कर लेंगे, ठीक करवा दो। अब देखो नीचे से गैप है कि नहीं, अब ये फिंगर कैम जो है अंदर रहेगा, इस तरीके से रहेगा, देखो ठीक है, टच नहीं हो रहा है ना, तो आराम से ये जो ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे कहीं भी टच नहीं, तो ये इसकी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे स्लॉट काटना पड़ेगा आपको, इस तरीके से स्लॉट काट दिया मैंने। अब मुझे क्या बनाना है, अब मुझे बनाना है
जैसे इसको मैंने भरा दिया था, तो हम भरा देते हैं 10 mm का मैंने भरा दिया था, ये ऐसे आपको टी डाल टी जरूर डालना, हाँ टी नहीं डालोगे तो सही नहीं बनता ये। अब कोई जो है आपका जो है कटा चला आता है, कटा से मत चलाओ, टी से चलाओ, ज़्यादा बेस्ट है। ये हो गया, हाँ अब मुझे ये बनाना है, ठीक है। इसके बाद जो है इसको मैं हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के बाद यहाँ पे कंपोनेंट में मैं क्या बना रहा, देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने स्केच ले लिया। अब उसके बाद जो है मैं रेक्टेंगल लूंगा, यहाँ पे अगेन एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ मैं। अब रेक्टेंगल जो होगा यहाँ पे कितने का लूंगा, थोड़ा बड़ा नहीं लूंगा, यहाँ पे ठीक है, इसको हम 15 के जगह 18 mm कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं, सी डाल के भी कर सकते हो, हर जगह डायमेंशन करने का जरूरत क्या है, अगर सी डालो सीधा यहाँ पे, अभी डालने के बाद इसके सेंटर पॉइंट डाल दो, ऑटोमेटिकली सेंटर जाएगा। सेंटर में आने के बाद इसको हम जो है 100 mm का डाल सकते हैं, 100 नहीं, इसको मैं 120 का डाल देता हूँ, मेरे पास जगह है वैसे इसलिए मैं डाल रहा हूँ। और यहाँ पे ये जो नीचे जो गाइड होगा ना, 8 से 10 mm गाइड करूँगा, इसको ज़्यादा नहीं करूँगा, ज़्यादा करने से इसका मशीनिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तो मैं 8 mm का डाल रहा हूँ, ठीक है। 8, 10, 12, 10 mm डाल दो, कितना रखना है आपको, ज़्यादा नहीं रखना, क्लियर है। अब देखो इसमें, इसमें मैं हल्का सा ना यहाँ पे चैम्फर डाल रहा हूँ, थोड़ी रेडियस डाल रहा हूँ, डाल दिया 6 का नहीं 7 का डाल देता हूँ, 8 का डाल दूंगा, यहाँ पे 8 का डाल दो, डाल दिया ना मैं रेडियस यहाँ पे, है ना। तो देखो ये जो है ऐसे रेडियस डालूंगा। अब इसके बाद जो है यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो, ये जो ये जब करोगे ना, कभी भी आपकी स्प्लिट मोल में ना, कभी भी स्प्लिट मोल में ना आपका क्या नहीं आएंगे, फ्लैश नहीं आएंगे, ये आपका मेंटेनेंस प्रूफ है। अब देखो इसको मैंने ऐसे कर दिया कम्प्लीटली आउटसाइड, ऐसा मैंने इसको ऐड नहीं करा, यूनिट नहीं करा, ठीक है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट यहाँ से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते। अब देखो ये जो फेस है ना, इस फेस को आप रिलीव कर दो, ये जो फेस है इस फेस को जो है आप इसको रिलीव कर दो, कितना एम एम का, -2 mm का रिलीव कर दिया मैंने, ठीक है। और जो ये फेस है, इस फेस को हम नीचे -2 mm रिलीव कर दिया, कर दिया। अब जो मैंने यहाँ पे लगाया था सेम थोड़ी ना होगा, हम ब्लेंड को सेंस करेंगे, ये जो ब्लेंड होगा, ये ब्लेंड जो सेंस होगा ना, ठीक है, दे दिया सेंस कर दिया। अब इसको करने का जरूरत क्या है, मैंने क्यों करा, देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना आप, देखो यहाँ पे मेरा रिलीव कर दिया, इसे भी मेरा सेक्शन काटूंगा, यहाँ पे भी रिलीफ है, ठीक है, यहाँ पे भी रिलीफ है। अब जैसे मेरा फिंगर कैम होगा, यहाँ पे फिंगर कैम है, और यहाँ पे आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एंट्री रेडियस देना पड़ेगा, नहीं इस बली में, इस बली में आपको एंट्री रेडियस देना पड़ेगा 1 mm या 1.5 का डाल दो, ये एंट्री रेडियस है। अब जैसे ये आप ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से आप देखोगे, यहाँ पे भी एंट्री चैम्फर डालना होगा, ठीक है, ये जो सबसे लास्ट जो है ना, यहाँ पे भी आपको एंट्री चैम्फर डालना पड़ेगा एक। अब आप ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे क्या करेगा, ये जो है ये दोनों तरफ से गाइड हो रहा है, तो आपका जो ब्लॉक है ना वो पीछे नहीं जाने देगा। अभी अगर मान लो चलते चलते आपकी वॉल प्लेट नहीं है, तो ये ब्लॉक अगर मान लो क्या हो जाता है, गैप बन जाता है दोनों के बीच में, प्रॉपर तरीके से ये बातिंग नहीं हो पाता, प्रॉपर तरीके से ये क्लोज नहीं हो पाता है, मोड प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हो पाता है। अब क्या करेगा, ये ब्लॉक भी प्रेशर क्रिएट करेगा, वॉल प्लेट भी है आपका, यहाँ पे फिंगर कैम भी है, हम स्प्रिंग भी लगाना है तो स्प्रिंग भी लगाएंगे, तो प्रॉपर तरीके से ये प्रेशर क्रिएट करेगा। अगर मान लो वेयर प्लेट खींच भी जाता है एक टाइम पर, तो ये रहेगा ना, डबल सपोर्ट मिल रहा है आपको, तो फ्लैश आने का चांस नहीं आएगा। तो ये तरीका है, अगर आपकी स्प्लिट मोल बनाते हो उसमें फ्लैश आते हो तो ये तरीका यूज करना, कभी फ्लैश नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। ये लंबा मेंटेनेंस में मोल नहीं जाएगा, मोल मेंटेनेंस में नहीं जाएगा, आपका प्रॉपर तरीके से काम होगा, ठीक है। तो ये सारा तरीका आपको कोई नहीं बताने वाला हूँ, ये तरीके के लिए मैं पैसा लेता हूँ, जो भी डिजाइन बनाने का पैसा लेता हूँ, ये तरीके का पैसा लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपको ये पता लग गया है कि यहाँ पे फिंगर कैम यूज कर रखा हो, यहाँ पे अलग से आपको स्प्लिट में स्लाइडर में जो आप यहाँ पे जो स्प्लिट यूज कर रहे हो, यहाँ पे क्या ना है, फ्लैश ना है, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। और एक तरीका है फ्लैश ना आने के लिए, और एक तरीका, एक तरीका नहीं, हम तीन तरीका यूज करते हैं। जब आप अच्छा डिजाइनर बनोगे ना, तो आपको डिजाइन बनने का पैसा नहीं मिलता, ये सब करने का पैसा मिलता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ये तरीके से आपको ये बनाना है, नीचे रिलीफ रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं हिलेगा, क्योंकि ये यही पर है, ये तो यहाँ पे टाइट रखेंगे, ठीक है। तो ये तरीका है एक, आपको मैंने एक तरीका मैंने बता दिया आपको, ये तरीका से आपको यूज करना है, ठीक है। अब दोस्तों देखो, अब मैंने यहाँ तक बना दिया है, अब आपका थोड़ा सा काम रह गया। अब थोड़ा सा काम क्या रह गया, फ्लैश आपका आएंगे नहीं, क्लियर है, फ्लैश आपका नहीं आएंगे, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम हल्का सा रेडियस यूज करेंगे, हल्का सा एक का या 1.5 का रेडियस यूज कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये लिमिट है, कितना एमएम का लिमिट होना चाहिए मुझे, मेरा जो लिमिट होना चाहिए यहाँ पे, मैं देखो ये जो मैं बना रहा हूँ इसका मैं 16 mm 16.1 mm का था ना मेरा फिंगर के हिसाब से, तो इसको मैं कर देता हूँ 16.1 mm का, इसको मैं मूव कर दे रहा हूँ, मूव बॉडी कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसको मूव कर दिया 16.1 mm का। अब मुझे 16.1 mm में देखो यहाँ पे बहुत पास है, ठीक है, तो बहुत लोग क्या करता है यहाँ पे जो है बोल्ट डाल देते हैं, एक बोल्ट डाल के या एक अलग से यहाँ पे डबल डाल के भी इसको हम लिमिट का काम करते हैं, ठीक है। तो आपको वैसे भी करना है तो वैसे भी कर सकते हो, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको पार्ट को फिंगर कैम को रख देता हूँ, बाकी सब पार्ट को हाइड कर देता हूँ, ठीक है, हाइड कर दिया, इतना रखता हूँ बस अभी के लिए, इसको भी जरूरत नहीं, चलो इसको भी हटा देते हैं हम, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। जो अगर लिमिट लगाना है, जैसे मैंने दूसरे वाले मोल पे आपको दिखाया था, मैंने लिमिट अलग तरीके से लगाया था, तो यहाँ पे क्या है, आप इतना बड़ा अगर मोल्ड है नहीं, कूलिंग है इसमें, ठीक है, कूलिंग के लिए मैं लगाऊंगा इसके में लगाना पड़ेगा, या यहाँ पे लगाऊंगा मैं, तो यहाँ पे मैं बोल्टिंग से लगाऊंगा तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट होगा। एक बोल्ट लगा के मैं कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, टैपिंग कर दूंगा, ठीक है। तो टैपिंग करूंगा तो आपको मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो है हेड का साइज डिसाइड करना पड़ता है। जैसे हम होल डालते हैं, जैसे मैं होल से डाल रहा हूँ, इसमें हम हेड का साइज डालते हैं, ठीक है। तो हेड होता है, जैसे मैं कहा कौन सी बोल्ट M6 का यूज करूंगा, M6 का जो हेड होता है कितना डायमीटर का आता है, 11 का आता है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 11 का जो है एक हेड लगाना है, हेड लगा के इसको आपको रखना है, ठीक है। 11 का है सी बोर्ड, ठीक है ना, सी बोर्ड कितना है, 11 का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कैस लेंगे, ठीक है, कैस लेने के बाद ध्यान से देखना, हाँ ध्यान से, यहाँ पे 6 mm तक उसकी हेड का जो डिस्टेंस होता है ना, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिया, यहाँ से इसको हम एक स्टैंडर्ड डिम देंगे, हम 22 का करते हैं, पॉइंट में नहीं डालना है, और यहाँ से यहाँ तक 11 mm रखना है। बहुत तरीका यूज करता हूँ मैं, ठीक है, 11 mm मतलब हेड 11 है, तो इसका हम सेंटर जो होगा कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, तो इतना आप 6.5 का है, तो 6.5 मतलब हम सॉरी 5.5 11 होगा, मैं इसको 6 करा देता, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, तो इसको आपको जो है 6 का मैं कर दे रहा हूँ। अब इस पॉइंट में मैं M6 का मैं टैपिंग करूंगा, ठीक है, M6 का कर रहा हूँ मैं। अब देखो M6 का करूंगा ना, हेड ऊपर रहेगा, लेकिन जो इसकी हेड होगा ना वो ऊपर रहेगा, मतलब देखो दो तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको एक तरीका और दिखा देता हूँ। जैसे मैं M6 का दो लगाऊंगा, इधर भी एक लगाऊंगा, उधर भी एक लगाऊंगा, लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक स्क्रू डाल देते हैं, बोल्ट डाल देते हैं इस तरीके, ठीक है। अब बोल्ट डालने के साथ देखो ये हेड जो है कहाँ पे टच कर रहा है, सीधा यहाँ पे टच करेगा, राइट, थोड़ा सा क्लियरनेस रहता है। तो हम जो है इसको क्या कर देंगे, M6 का करके यहाँ पे टैपिंग कर दूंगा मैं, हेड जो है ऊपर हेड रहेगा, तो यहाँ पे मैं ये जो है इसमें मैं कौन सी वाले कर दूंगा, टैपिंग वाले कर दूंगा, थ्रेडेड होल कर दूंगा M6 का, समझ में आ गया ना आपको। अब जो है अब समझ में ये आ गया, ये जो है इस तरीके से हम करेंगे। देखो 0.5 का क्लियरेंस रख रहा हूँ, अगर आपको जो है 0.5 का क्लियरेंस नहीं मिला, 0.0 रखना है, अगर आपको 0.0 रखना है ना, 0.0 रख लो, कोई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 11 है तो 5.5 का रख लो, कोई दिक्कत नहीं, ये 0.0 हो जाएगा। इस तरीके से बोल से भी कर सकते हो आप, देख तो एक अगर बोल से नहीं करना है आप जो है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सर ऐसे नहीं करना चाहता हूँ, मैं इस वाली मोल की तरह करना देता, मैं आपको ये वाला मोल भी दिखा देता हूँ, इसको ओपन होने देता पहले, ठीक है। तो ये वाला मोल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे एक बार मैं सॉलिड बॉडी लेता हूँ, हाँ ऑटोडाउन मोल्ड है, तो देखोगे यहाँ पे लिमिट मैंने कैसे लगाया, इस तरीके से लगाया। अब इस तरीके से भी लगा सकते हो, मैंने इस तरीके से यहाँ पे ऐसे नहीं लगाया, मैंने जो यहाँ बोल्ड से लगा हुआ, इसका जो बोल्ड का जो हेड आएगा ना, जो हेड आएगा ना, हेड कितने का आता है आप देख लो ना, तो हेड आएगा, वो हेड जो है लिमिट का काम करेगा। यहाँ पे देखो M6 का जो हेड यूज करता हूँ मैं, यहाँ पे होल सीरीज में जाके M6 का मैं अगर लेता हूँ, तो हेड की जो हाइट होता है, हाइट कितने का आ रहा है, डेप्थ जो आ रहा है 6.8 का आ रहा है, तो 5-6 mm काफी है, यहाँ पे रुक जाएगा आराम से। तो दो तरीके से आपको यहाँ पे यूज कर दो, तो ये लिमिट का हो गया। अब जो हम बात करेंगे बॉल प्लंजर की बात करेंगे, ठीक है। तो बॉल प्लंजर के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको कार्ट लगाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एक बार में सारा चीजें समझ में नहीं आएगा, दो बार में आपको बताना पड़ेगा मुझे। देखो यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं करना, यहाँ से लगभग 15-20 mm के गैप में रख लो, यहाँ पे हम एक 2 का मैं सर्कल बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसका जो मैं डिस्टेंस दूंगा, ये दोस्तों मैंने आपको दो चीजें बता रहा हूँ ना, ये आपको कहीं पे मिलने वाला नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान से सीखो, ठीक है।
और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो चीजें बता रहा हूँ आपको, ये प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ जो कंपनी में यूज होता है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी ना बता रहा हूँ मैं, हर चीजें जो है कंपनी में यूज होता है प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करके बता दे रहा हूँ। मोल्ड डिजाइन में लोग क्या समझते हैं, थोड़ा सा मोल्ड बनाने में समझ लेते हैं कि मैं मोल्ड डिजाइन आ गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। आप किसी दिन मेरे से बात करोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कितना टाइप का मोल्ड होता है। लगभग सभी तरीके से मैं मोल्ड कराता हूँ, ठीक है। और जो मोल्ड कराऊंगा आपको प्रैक्टिकल मोल्ड कराऊंगा जो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। अब इसके बाद जो है इसको जो है मैं आपको यहाँ से 15 mm के आसपास रख देना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जरूर देख लेना यहाँ पे कोई बीच में कोई गैप वैप नहीं है, कोई देखो नहीं है। और यहाँ पे पर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते, हो गया ये, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद जो ये मेरा जो ये बन के आएगा ना, अब इसके नीचे मुझे क्या लगाना है, इसके नीचे मुझे लगाना है ना, देखो यहाँ पे ये चीजें है। और उसके बाद जो है मैं इसको ले आता हूँ, ठीक है। ये आ गया आपका, होम करके जो सेव कर लेता हूँ पहले। तो सेव करने के बाद जो ये प्लेट है, बॉटम वेयर प्लेट लगाना है तो आप बॉटम वेयर प्लेट लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये मेरा फिंगर कैम की जगह में आ गया है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे एक लगाऊंगा, यहाँ पे एक लगाऊंगा, यहाँ पे एक लगाऊंगा और तीन लगाऊंगा बॉल प्लांजर। अब बॉल प्लांजर होता क्या है, बॉल प्लांजर को हम कैसे लगाते हैं, देखो जो भी लोग बनाते हो ना, लाइब्रेरी का जरूर यूज कर लेना, लाइब्रेरी का यूज नहीं करोगे तो बेकार है, ठीक है। जो भी चीजें कराता है मैं लाइब्रेरी से कराता हूँ, तो आपको इसलिए लाइब्रेरी का मैं यूज करने के लिए बताते रहता हूँ कि आप जो है आपके पास लाइब्रेरी होना चाहिए। लाइब्रेरी हो गया ना आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। क्या लगाना है मुझे, बॉल प्लांजर लगाना है, ठीक है। यह टेपर सेट है, ये भी बहुत यूज होता है ये सब चीजें। हाँ कहीं कहीं चीजें कहीं इधर उधर होता है तो आपको दिखाने में मुझे इजी हो जाएंगे, कभी कभी दिखाने में दिक्कत भी होती है। तो बॉल प्लांजर जो है मुझे मिलेंगे आई गेस इधर मिलेंगे, ये मुझे टेपर पिन है, ये डबल पिन है, लीडर पिन है। ये लीडर पिन जैसे मैंने आपको बताया था ना, तीन टाइप का गाइड पिलर होता है, कौन से टाइप होता है, तो वो चीजें है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बॉल प्लंजर मेरे को मिलेंगे मोल एसेसरीज देखते हैं। ये मेरा शोल्डर स्कूल है, यहाँ पे मेरा वो है लिफ्टिंग आई वोल्ट है, डबल पिन है, डबल पिन से तो मैं यहाँ पे डबल पिन मिल जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या चीजें इसमें मिल जाती है, ठीक है। ये भी मेरा जरूरत नहीं है, इसका भी मुझे जरूरत का नहीं है। तो सबसे पहले कहाँ मिल सकते हैं मुझे, मुझे मिलेंगे स्लाइडर ब्लॉक में मिल सकता है, ठीक है। हाँ यहाँ पे है, देखो यहाँ पे हर तरीके से स्लाइडर मिल जाती है, मिशुमी का स्लाइडर वगैरह, ये देखो लिप्टर का जो ऑयल ग्रुप होती है, जैसे मैंने आपको बताया ना कोको वगैरह यूज करना है तो वो भी मिल जाती है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बॉल प्लांजर में सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद इधर में जाऊंगा, जाने के बाद मैं साइज डिसाइड करूंगा। तो मेरा जो बॉल प्लांजर ले रहा हूँ मैं सेका लूंगा, ठीक है। सेका मेरे हिसाब से ठीक है, डायमीटर 6 है, तो इसका डायमीटर 6 है। अगर आपको बड़ा लेना है बड़ा ले सकते हो, तो अगर मतलब 8 का लेना है तो मैं 8 का ले रहा हूँ। उसके बाद जो है मैं आउटपुट में जाऊंगा, कौन सी फाइल है, मैं डेस्कटॉप में ले जा रहा हूँ, डेस्कटॉप में जाके पैरासोलिक फाइल में ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये स्टैंडर्ड जो है आपके यहाँ पे बन के आ जाएंगे, आपको अलग से नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बन के आ गया, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब मैं इधर में जाऊंगा, जाने के बाद सिंपली यहाँ पे जाऊंगा, जाने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा एक्सपोर्ट पैरासोलिक में। पैरासोलिक में जाने के बाद यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सबसे पहले जो जाऊंगा यहाँ पे आपको पैरासोलिक करके आएंगे तो पी रवाना है, पी रवाना है, पी दवा आ गया मेरा। तो मान लो ये 8 का है, ठीक है, 8 जो है यहाँ पे मेरा, देखो ये आ गया। अब उसके बाद करना क्या है आपको, यहाँ पे लोकेशन देना है, किस लोकेशन पे डालना है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सबसे पहले इसको हटा देता हूँ, हटा देने के बाद इसका एक लोकेशन देना है। लोकेशन देने के लिए यहाँ पे कार्ड में जाऊँगा, कार्ड में जाने के बाद यहाँ पे स्ट्रेट दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट एक कार्ड ले लिया, कार्ड टू कार्ड कर दिया। अब क्या करना है आपको, कंट्रोल टी करना है, टी करने के बाद सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट करना है, पॉइंट टू पॉइंट करने के बाद इसके सेंटर, उसके बाद जो है आपको इसकी सेंटर, सेंटर से सेंटर आ गया आपका। तो देखो यहाँ पे आपका बॉल प्लांजर जो है आ गया। अब उसको करना क्या है आपको सिंपली, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको लेके यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको मैं हाइट कर देता हूँ। हाइट करने के बाद ये जो आपका एरिया देख पा रहे हो, सबसे पहले इसको आप डिलीट कर दो, इसकी वजह से जो है ये सही नहीं होता। उसके बाद जो है इसको मैं डिलीट बॉडी कर देता हूँ, ठीक है, ये मेरा बन गया। अब जो ये कार्व है, ये जो आपका कार्व है, इस कार्व को आप हाइड कर दो। ऐसे एक बना रहा हूँ मैं, ऐसे आपको तीन बनाना पड़ेगा। अब नीचे से देखो ये बॉल प्लांजर को हम कैसे डालेंगे, बॉल प्लांजर को हम ठोक के डालेंगे इधर से ना, इधर से हम ठोक के डालेंगे। अगर मान लो बॉल प्लांजर को इजेक्ट करना है, ये जो बॉल प्लांजर है आपको इसको बाद में निकालना है, निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम नीचे से ना इजेक्टर पिन डालना पड़ेगा। इजेक्टर पिन डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको स्केच बनाना पड़ेगा। मतलब बेस मार्ट में ना हम यहाँ पे इजेक्टर पिन होता है ना, मान लो कम का इजेक्टर पिन डाल के, जैसे
जैसे मैं मान लो मैं पांच का इजेक्टर पिन डाल रहा हूँ, पांच का इजेक्टर पिन डाल के यहाँ पे नीचे से ना ठोक के निकाल दूंगा इसको। निकलने के भी आना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है कि हाँ बना दोगे तो हो जाएगा काम, निकालना भी पड़ता है। तो ये देखो नीचे से पिन डाल के इसको निकालने के लिए हम शॉर्ट डाल दिए। तो ये कॉन्सेप्ट है, एक दो तीन लगा देना, इसमें भी आपको लिमिट भी आपको तीन लगाना है, ठीक है। इस तरीके से मोल बनाओगे तो आपका मोल लंबा चलेगा। आपको एक चीज और करना पड़ेगा यहाँ पे, क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, इसे जो है बॉटम वेयर प्लेट भी आपको यूज करना है। ये था प्रॉपर तरीके से मोल बनाने का। इस तरीके से मोल बनाओगे इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 16.1 इसको जो मूव करा है, इसको मैं पहले उसकी लोकेशन में डाल देता हूँ, ठीक है, कि मैं लोकेशन में डाल देता हूँ 16.1, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन। देखो ये प्रॉपर तरीका है मोल बनाने का। इस तरीके से स्लाइडर बनाओगे तो कभी कुछ चीजें में फंसोगे नहीं, प्रॉपर तरीका है। इस तरीके से आपको स्लाइडर बनाना है। इन फ्यूचर कैसे भी कुछ चीजें बनाते हो तो ये तरीका आपको यूज करना है, प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। कैलकुलेशन से बताया, उसके बाद कौन सा कहाँ होता है, मेटेरियल कौन सी होती है, एक्सर से कितना रखना है, तो सारा चीज़ इसमें मैं बता दिया आपको। एक कैलकुलेशन नहीं, दो दो कैलकुलेशन से बताया हूँ। अगर आपको इसके बाद 30 लेटर सीखना है तो 30 लेटर का मैं वीडियो डालूंगा। अगर सही से रेस्पॉन्स आएंगे कहीं पे, अगर सही से रेस्पॉन्स आता है तो मैं इसके पार्ट टू भी बना दूंगा। ये जो पार्ट टू है, मैं जो है एंगुलर स्लाइडर चलता है ना यहाँ पे 30 स्लाइडर, तो 30 स्लाइडर का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझा दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो आज का वीडियो में उतना ही था। अगर किसी को कुछ चीज़ें पूछना है, समझना है, तो आप पूछ सकते हो। साइट वगैरह अभी मैं फिक्स नहीं कर रहा, साइट वगैरह के लिए मैं बाद में भी काम कर सकता हूँ। अब जो है मेरा कॉन्सेप्ट था आपको क्या बताना, फिंगर गेम के बारे में बताना। तो फिंगर गेम का ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसके बना सकते हो। अब उसके बाद आपको अलग अलग टाइप का फिंगर गेम बनता है। जैसे यहाँ पे मैं फिंगर गेम बना रखा हूँ, यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे आप देखोगे इस फिंगर गेम के ऊपर आप जो बोल्टिंग कर रखा हो, ये क्या तरीका होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखोगे, यहाँ पे हम स्प्रिंग यूज कर रखा हो, देखोगे आप यहाँ पे मैं स्प्रिंग यूज कर रखा हो, मैं इसको हाइड कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट आई डाल के। देखो यहाँ पे मैं स्प्रिंग यूज कर रखा हो इस वाली में, तो दिखा देता हूँ। देखो ना यहाँ पे मैं स्प्रिंग यूज कर रखा हो, तो स्प्रिंग कहाँ यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं जो है बेसिकली जो मेरा पेड क्लासेस होती है, जो मेरा पेड क्लासेस होती है, इसमें मैं सारा टाइप का स्लाइडर सिखाता हूँ, ठीक है। तो सारा टाइप का स्लाइडर सीखना है, ये तो आपका एक टाइप का हो गया, सारा टाइप का, जिसके अंदर स्लाइडर के अंदर स्लाइडर चलता है, ये स्लाइडर चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर भी स्लाइडर चल रहा है और उसके अंदर भी स्लाइडर चल रहा है। तो तीन स्लाइडर एक ही स्लाइडर में चल रहा है और सबको ऑपरेटिंग कर रहा है डॉग हाउसिंग, डॉगलेग जो है सबको ऑपरेट कर रहा है। तो इस तरीके से अगर क्लास ज्वाइन करना है, नंबर मेंशन दे, आपको कॉन्टेक्ट नंबर में दे रखा हो, वहाँ पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से क्लासेस वगैरह आप ज्वाइन कर। तो आज का वीडियो में इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गया। चीज़ें पूछना है, नंबर मेंशन दे, वहाँ पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो मैंने एक साइड का बना लिया, दूसरे साइड में आपको खुद बनाना होगा। इसमें और फाइल वगैरह सही है ना, अपना मेल आई डाल देना, तो उसमें मैं दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।